अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हना। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग माई वीडियोज। नाउ आई एम गोइंग टू मेक माई न्यू डिश, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज मैं बनाऊंगी मीठी टिकिया। मीठी टिकिया बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा लिया है, 1/2 कप मैंने सूजी ली है और 1/2 कप मैंने चीनी ली है, पिसी हुई चीनी। 4 से 5 चम्मच मैंने खोपरा पाउडर लिया है। 8 से 10 बादाम को मैंने थोड़ा मोटा मोटा पीस लिया है और 1/2 कप मैंने दूध लिया है गूंदने के लिए। 4 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। 4 छोटी इलायची इसको मैंने पीस लिए। सबसे पहले मैं बॉल में 1 कप मैदा शामिल करूँगी, फिर इसमें 1/2 कप जो सूजी ली थी ये शामिल कर लेंगे, इसमें पिसी हुई चीनी शामिल कर लेंगे। इसमें खोपरा पाउडर शामिल कर लेंगे। अब इसमें बादाम का पाउडर शामिल कर लेंगे और ये इलायची पाउडर है ये भी शामिल कर लिया इसमें। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून घी शामिल करूंगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा दूध शामिल करके, थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करके इसे हम गूंद लेंगे। देखिए, थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करके इसको हम गूंद लेंगे। इसे थोड़ा सख्त ही गूंदेंगे, थोड़ा पतला नहीं गूंदेंगे। ठीक है, इसी तरह थोड़ा थोड़ा सा दूध शामिल करके इसको हम गूंद लेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने मैदे को अच्छी तरह से गूंद लिया है और ये थोड़ा सख्त ही है, ज़्यादा हम पतला नहीं गूंदेंगे। अब मैं इसे 1/2 घंटे के लिए रख दूंगी। 1/2 घंटा हो गया, अब हम टिकिया बनाना स्टार्ट करते हैं। मैदा भी सेट हो गया, अब मैं इसे बेल लूँगी बेलन की मदद से। देखें, इसे मैंने बेल लिया है। अब मैं इसे गोल शेप दे दूंगी, मैं गिलास की मदद से दूंगी गोल शेप। देखें, इसे मैंने अच्छी तरह से काट लिया है गिलास की मदद से। देखें आप कितना प्यारा गोल शेप आया है। अब जो बाकी का आटा बचेगा उसे भी हम बेल लेंगे। देखें इस तरह से, अब जो बाकी का आटा है इसे भी मैं बेल लूंगी। देखें, इसे भी मैंने बेल लिया है, अब इसे भी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, अब हमने टिक्कियों को बेल लिया है, अब हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई ली है, कढ़ाई में ऑयल शामिल कर लिए। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, अब हम टिक्कियाँ फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। अब हम एक एक करके टिक्कियाँ शामिल कर लेंगे और ऑयल थोड़ा ज़्यादा रखेंगे ताकि अच्छे से डीप फ्राई हो। लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे और जब एक साइड से गोल्डन फ्राई हो जाए तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसका प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए और बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। एक साइड से गोल्डन फ्राई हो गई, अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए ये फ्राई हो गई, अब मैं इसे निकाल लूंगी। कितना प्यारा कलर आया है गोल्डन कलर। अब मैं बाकी की टिकिया भी इसमें शामिल कर लूंगी। बाकी की जो टिकिया थी ये भी फ्राई हो गई है, गोल्डन कलर आ गया है, अब मैं इसे निकाल लूंगी।
देखिए बहुत क्रिस्पी क्रंची मीठी टिक्कियाँ तैयार है। इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। और अगर आप लोग ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, इससे आपको मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेगी। और अगर आप लोग ने मेरा फेसबुक का पेज लाइक नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप लोग लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है कुकिंग विद गना के नेम से, वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मेरा कुकिंग विद गना के नेम से ग्रुप भी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।